पुत्र बेटा जो है सर और बीपीएससी में परचम लहराया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये कोई बड़ी सफलता मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि यह डॉक्टर की उपाधि लिए हुए है और इसका जो एक चयन हुआ इसकी योग्यता से निम्न स्तर का है। यह जब प्रोफेसर बनेगा तब मुझे खुशी मिलेगी होगी और यह अपनी योग्यता के अनुसार अपने पद पर जा सके। सर आप लगातार आप शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षक से सेवानिवृत्त आप रहे हैं और आप ये बताइए कैसे सर आप पूरे परिवार को आपने संभालने का काम किया, आपके परिवार में जैसा बताए आपके ये कि सभी को मतलब आप गवर्नमेंट सर्विस में भेज दिए, कैसे सर कर दिए, कैसे सपना साकार कर दिए, आखिर कैसे हुआ सर ये बताइए। मैं शिक्षक के रूप में अपना सेवा शुरू किया तो मैंने ये निश्चित किया अन्य बच्चों के साथ साथ अपने परिवार के जो बच्चे हैं वे भी देश के नागरिक हैं और स्कूल के अलावे जब मैं घर पर आता हूँ तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पूरा समय था। मैंने कभी बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के नहीं किया, अपने से पढ़ाया पढ़ाया सभी विषयों का, मिडिल स्तर तक के सभी विषयों का मैं अब अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ और पढ़ाते आया हूँ। जिसका नींद मजबूत हो जाता है वह आगे सफल होता है। मेरे सफल बच्चे का सफल होने का ये कारण यह है कि मैंने सबका नींद मजबूत कर दिया, नींव मजबूत कर दी है और लगातार सर कहीं कहीं माहौल है सर और आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, आप भी देखते होंगे जब आप कहीं समाज में बैठते होंगे कहीं ना कहीं आपको भी सुनने को मिलता होगा मास्टर का बेटा नहीं बनता है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? मास्टर का बेटा उसी मास्टर का बेटा नहीं बनता है जो स्वयं पेशे से तो मास्टर है लेकिन भाव से मास्टर नहीं है। जो भीतर से मास्टर है वह कहीं भी रहेगा तो वह पढ़ाने की बात करेगा और जो इसी का बेटा नहीं पढ़ता है जो दूसरे बच्चे को स्कूल में भी ठगने का काम करते हैं इसलिए उनका बच्चा भी ठगा जाता है। अच्छा तो आप सर किस स्कूल में पढ़ाते थे सर, कहाँ लगातार सेवा आप दे चुके हैं और कहाँ मतलब किस स्कूल से आप सेवानिवृत्त हुए हैं सर और कौन से स्कूल के आप शिक्षक थे, प्लस टू के थे या मध्य विद्यालय के थे, बताइए सर। मेरी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय फलका अंचल में सोथा प्राथमिक विद्यालय से हुई, वहाँ लगभग मैंने 6 वर्षों तक काम किया, अभी भी वहाँ के बच्चे मुझे याद करते हैं और वहाँ से स्थानांतरण होकर मैंने खैरा मध्य विद्यालय में योगदान दिया, यहाँ लगभग 17 वर्ष तक मैंने सेवा दिया है और यही अपने बच्चों को अपने साथ रहकर पढ़ाने का हमको मौका मिला। बहुत से शिक्षक के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि चूँकि वे अपने साथ में नहीं रख पाते हैं और दूसरे जगह रहते हैं, दूसरे के बच्चे को पढ़ाते हैं और अपना बच्चा उसका क्या कहते हैं नहीं पढ़ पाता, अपनी देख रेख में नहीं पढ़ पाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, जब भी मैं रहा अपने बच्चों को अपने साथ में रखा, क्योंकि मेरी पत्नी भी शिक्षिका थी तो हम दोनों को एक जगह क्या कहते सेवा करने का मौका मिला, इसलिए दोनों साथ रहने के कारण मैं अपने बच्चों को अधिक नज़दीक से देख सका। चकला खैरा मध्य विद्यालय के बाद 15 वर्ष की अवधि के बाद, क्योंकि स्वाभाविक रूप से सरकार का एक नियम था कि 15 वर्ष तक एक विद्यालय में रह चुके हैं उसे स्थानांतरित किया जाए, तो मेरा स्थानांतरण प्राथमिक विद्यालय हरला जोड़ी एक संथाल टोला था वहाँ हुआ। वहाँ मैंने सेवा करने का पूरा भरसक प्रयास किया लेकिन वहाँ मैं सफल नहीं हो सका, क्योंकि संथाल के बच्चे जो थे वे स्कूल आते ही नहीं थे और बुलाने पर जब हमको विद्यालय में देखते थे तब आता था, उसकी भाषा और क्या कहते रहन सहन से उतना हम वहाँ क्या कहते घुल मिल नहीं सके, वहाँ उतनी शिक्षा नहीं दे सके। ये मेरी कमजोरी और समाज की कमजोरी जो समझा जाए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं सरकार की नीति के अनुसार अपने भी क्या कहते गाँव के नज़दीक होम अंचल में देने की बात हुई, मेरा स्थानांतरण मध्य विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगदीशपुर में हुआ और वहीं से मैं लगभग 6 वर्षों की सेवा देने के बाद वहीं से मैं अवकाश ग्रहण किया और तब से मैं अब यहीं सेवा काल में घर बना लिया था, यहीं अब मेरा काम। सर आपसे अंतिम सवाल मेरा होगा, आपके पिताजी क्या करते थे सर? मेरे पिताजी किसान थे। आज किसान का बेटा जो है सभी जॉब में है और सेवानिवृत्त है, सर आपके लक्ष्य कदम पे चलते कंधे से कंधे मिलाकर आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी भी जॉब में रहें, लेकिन बच्चे को जरूर शिक्षित करें, चाहे वे किसान भी बनेंगे, शिक्षित बनकर के भी किसान बनेंगे तो अच्छे किसान बनेंगे। शिक्षा जरूर देना चाहिए, सिर्फ नौकरी के लिए ही शिक्षा नहीं है, सब नागरिक बनने के लिए, ईमानदार नागरिक बनने के लिए शिक्षा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपको भी, मुझसे भी आपने बहुत से प्रश्न किए और मेरा भी उद्गार आप समाज तक आशीर्वाद मिलना चाहिए आपका मेरे चैनल को। कहते हैं बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आपका चैनल सफलीभूत रहे और आप अपने मुकाम में भी उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहे, यही मेरी शुभकामना है। मैं सभी सरकारी जॉब में है और लगातार अगर आप ईमानदारी से पढ़िएगा और एक ऐसा गांव जिनके पूरे फैमिली में गवर्नमेंट सर्विस में सेवा दे रहे हैं, क्या सही बात है सर? हाँ बिल्कुल सही है। मेरा जो छोटा भाई है वो सीनियर इंजीनियर है, वो भी 3 विषय से एमए। मेरी बहन जो है वो 2 विषय से नेट है और वो डबल एमए है। मेरी वाइफ जो है वो भी 3 विषय से एमए है, उन्होंने एस्टेट प्लस टू के लिए क्वालिफाई किया है, उनको 111 नंबर आया है, वो भी काफ़ी अच्छी सफलता है, एमएड भी कर चुकी है। मैं खुद 5 विषय से एमएससी हूँ, पीएचडी हूँ। मेरा जो चाचा है एक वो प्रोफेसर है, उनसे छोटे हैं। एक चाचा और हैं वो भी हाई स्कूल में शिक्षक हैं। मेरे मम्मी और मेरे पापा वो भी शिक्षक थे, ग्रेजुएट शिक्षक। सर आपके पापा भी शिक्षक थे, आपकी माँ भी शिक्षिका हैं, आप जब बचपन में पढ़ाई करते होंगे कभी पिताजी का आपको दबाव मिला कि बेटा ऐसे पढ़ो तुमको ये बनना है, कलेक्टर बनना है, या मतलब कैसे पढ़ाई किए सर, क्या सपना था, मतलब कलेक्टर बनने का आपका सपना था? देखिए पहले तो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और मेरा रिजल्ट भी हुआ था, पीटी हुआ था, मेंस में काफ़ी पीछे रैंक था, एमबीबीएस नहीं मिला, लेकिन हम चाहते थे जिस भी पोस्ट पर रहें हमसे लोग इन्फ्लुएंस। उसके बाद मैंने शिक्षा जगत को चुना क्योंकि मेरा ऑल फैमिलियर बैकग्राउंड शिक्षा की है, इसके लिए फिर मैंने पीएचडी किया, आज नाम के आगे डॉक्टर भी लग गया है, तो मैं शिक्षक बन करके संतुष्ट हूँ। मैं ज़बरदस्ती शिक्षक नहीं बना, मेरे ब्लड में शिक्षक बनने का गुण था और मैं बड़े मन से किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ। सर शिक्षक बने हैं और जिस भी विद्यालय में अभी जैसा जैसे सर बताए कि धर्मपुर गांधी विद्यालय में अगर मुझे सेवा देने का मौका उसमें लेटर में है, यही है ना सर, अगर कहीं दूसरे भी विद्यालय में मिलता है सर को कोई आपत्ति नहीं है? मुझे जहां भी देगा मैं कोशिश करूंगा वो विद्यालय धर्मपुर गांधी के साथ हो जाए, मैं अपना 100% वहां दूंगा। और एक शिक्षक का काम है एक गरीब से गरीब बच्चों में, गरीब माना धन से गरीब हो बल्कि मन से गरीब है, उसमें उत्साह भर देना, उसमें ऐसा अलख लगा देना, ऐसा चिंगारी पैदा कर देना जो कि बाद में जाकर अंगारा बन जाए। सर लगातार सर आप डॉक्टर जैसे आपका आप अपना बताए कि मेरा सपना था डॉक्टर, लेकिन अब आप कितने लोगों को डॉक्टर बना दीजिएगा, ये भी है सर, डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइएगा, शिक्षक भी बनाइएगा, आपसे जो भी पढ़ेंगे, एक विद्वान शिक्षक आप रहे हैं, काम भी कर रहे हैं विद्वान वाला ही सर, आप शिक्षा बांट रहे हैं, सबके नसीब में शिक्षा देने का नहीं है ये सर, कितने लोग हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और आप लगातार ये वीडियो आज जो देखेंगे सब कोई चाहेंगे कि आपके जैसा शिक्षक बने। देखिए आपका कहना है कितने लोग डॉक्टर बनाइएगा, मैं बहुतों का बना चुका हूँ। बीना कुमारी आपके गांव की है, मेरी ही शिक्षा रह चुकी है, पढ़ा में था तो एक बच्चा था वो डेंटिस्ट है। मेरा जो ममेरा भाई है, हालांकि मेरा बैचमेट था लेकिन हम उसको पढ़ाते थे सुजापुर का, वो भी डॉक्टर है। और अभी निशा कुमारी है चांदपुर की, वो NM है आपके हॉस्पिटल में, मेरा ही प्रोडक्ट है, तो इस क्षेत्र में मैंने कदम बढ़ा दिया है। इसमें संख्या क्या, जितने अनगिनत यदि हो जाए बच्चे तो और अच्छी बात, और मेरा प्रयास रहेगा जो भी बच्चा हमसे पढ़े वो समाज में मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाएगा, सिर्फ वो जॉब में नहीं जाए बल्कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो, सीखे, उससे पूछे तुम कैसे पढ़ते हो, और वो ईमानदार बने, सबसे बड़ी बात है। ऑफिसर बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन ईमानदारी के साथ कर्तव्य का निर्वहन करना वो बड़ी बात है। सर शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई थी आपकी? मेरी शुरुआती शिक्षा एक खेरा स्कूल से भी थी, उसके बाद धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय में मैंने 10th किया था, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैट्रिक किस ईस्वी में किए हैं सर? मैट्रिक का मैंने 94 बैच में किया था, ये गर्व की बात है। उस समय आप कौन सा डिवीजन किए थे सर? मैं फर्स्ट क्लास। उस समय 94 में आप फर्स्ट क्लास से पास किए हैं सर? मैं सब दिन क्लास में 1-2-3 रहा था सब दिन, इसीलिए आपको मतलब मन में डर नहीं था, डायरेक्ट जो बहाली निकाले एकदम दे दिए बेहिचक। पता है सर कितना लोग डर से नहीं किए हैं, फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं सर, ये जो PPSC में है जो निकाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कितने लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा, नियोजित शिक्षक हैं उनको लगा कि क्या है नहीं है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन आपके मन में डर नहीं था, आपके मन में ये था कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है आपका कि हम बैठेंगे तो एग्जाम निकाल ही लेंगे। देखिए मैंने 5 विषय से बेसिक किया है, एग्जाम देने की मेरी आदत, मैं तो ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रहा था, हारने से डर नहीं लगा? नहीं,
मैं ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रहा था जहाँ की अपने मेरिट को साबित करने का प्लेटफॉर्म हो। जैसे ने ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और हर शिक्षक को भी ये सब प्लेटफॉर्म से भागना नहीं चाहिए, आपको पढ़ाते भी हैं, हम लोग यदि भागेंगे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे, इसलिए मुझे कभी डर नहीं लगा। और मेरा जब रिजल्ट आया था तो मेरी पत्नी ने कहा आपका रिजल्ट आ गया, मैंने कहा तुम ऊपर से देखो, हम जब भी रहेंगे तो ऊपर से रहेंगे। संयोग से दूसरे पेज में ही मेरा मिल गया, अच्छा लगा, सफलता। अच्छा, जितने भी सफल जो आपके स्टूडेंट है, जैसा बताए आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या नाम बताए सर, कहाँ कहाँ के बताइए तो सर। DPSC तैयारी में एक बच्ची जो है वो कुटिया की है, और एक नरहिया की है जिसका आपने इंटरव्यू लिया सर, एक हटिया पढ़ती है बरसा जी, एक चांदनी चौक के पास है प्रियंका है जी सर, और एक श्रवण है वो भी क्या कहते हैं मंदिर जो है सत्संग मंदिर के पास उसका है जी। और न जाने कितने जो भी आते थे मुझसे मार्गदर्शन लेने के लिए मैं दिया करता था, और मैं चूँकि साइंस का शिक्षक हूँ बच्चों को साइंस के प्रति ज़्यादा प्रेरित करता था, मैंने DPSC हेडमास्टर में एक नंबर से किया, उस गलती को मैंने फिर दोहराया नहीं। दूसरा, माता पिता का तो आशीर्वाद रहता है, आज भी वो बार बार मुझे देखते थे तुम्हारा रिजल्ट आया, बार बार कहते थे तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन मन में एक दुविधा थी, मेरा पत्नी का योगदान, वो भी उसका भी आजकल में रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ मेरी साली वगैरह रहती है, भाई बहन सबका योगदान है, बच्चों का भी योगदान है, धर्मपुर गांधी विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक और समस्त सहयोगी वृंद का योगदान है, मैं साइंस फॉर सोसाइटी का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, वहाँ भी साइंस के जितने भी शिक्षक हैं सब कहते थे आपका सर हो जाएगा, हौसला सब इतना ना हम पर अपेक्षा करते थे, यदि मैं उस पर खड़ा नहीं उतरता मुझे अच्छा नहीं लगता, और आज मैं उस पर खड़ा उतरता हूँ। धर्मपुर गांधी विश्वविद्यालय कृष्णा नगर के कितने शिक्षकों का सर रिजल्ट आया? धर्मपुर गांधी विश्वविद्यालय शिक्षक तो इसमें पाँच शिक्षक, अरविंद बाबू का रिजल्ट आया, निवेदिता में उनका रिजल्ट आया, एक नए अतिथि शिक्षक जावेद सर हैं उनका रिजल्ट आया, एक संजय सर का रिजल्ट आया। जितने का रिजल्ट आया है सर, जो छात्र हैं स्टूडेंट हैं उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इनका रिजल्ट आया हाँ तो ये पहला कदम है, आप सरकार जिसके लिए आपको चुनी है कोशिश कीजिए, आपको जहाँ भी भेजिए अपना 100% योगदान दीजिए, ताकि बच्चे लाभान्वित हों, जो सोच के सरकार आपको एक अच्छा कैडर दे रही है, जो कैडर मृत था नया फिर दिया गया है, आपको फिर सम्मान लौटाने का प्रयास किया है, हमारा ये कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है सरकार को भी, हम उस पर खड़े उतरे, उसका रिटर्न 100% जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है तो उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? सफलता मिलेगी, लगे रहिए, सफलता आज कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप और सफलता नहीं मिली, कुछ टेक्निकल रिजर्वेशन की त्रुटि के कारण, टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ मेरे बंधु का एकाध का रिजल्ट नहीं भी हुआ है, लेकिन उसे रिजल्ट होगा, फिर आ रही है DPSC की परीक्षा, आप उसमें भरिए, निश्चित आ जाइएगा, घबराना नहीं है, और मैक्सिमम लोगों का हो ही गया है, जो भी मेहनत कर रहे थे उनका रिजल्ट है ही, और आपको सुन के आश्चर्य होगा जितने भी नियोजित शिक्षक भरे हैं 99% लोगों का रिजल्ट, उन्होंने सरकार को भी ये कह दिया है हमें टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट के नाम पर नियोजित कहते हैं लेकिन वो उस काबिल हैं, वो फुल स्केल के काबिल हैं, इस दिशा में भी सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। लगातार सर बता रहे हैं जो असफल हो गए, जैसे आप जानते हैं अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, KBC में लगातार चर्चा में रहते हैं, उनके पिता जो थे हरिवंश राय बच्चन, उन्हीं की पंक्तियां हैं, वो लिखे कहते थे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना सर, कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ जो मेहनत की और सफल नहीं हुआ, असफलता एक सीढ़ी एक चुनौती है, उसे स्वीकार कीजिए, और जितनी देर से सफलता मिलेगी उतनी अच्छी सफलता मिलेगी, जो किसी से दोस्ती यदि एक मिनट में होती है एक मिनट में दोस्ती रहेगी, यदि किसी से दोस्ती आपका एक साल होती है तो एक साल तक रहती है नियम, इसलिए आप लगे रहिए, जितना देर से सफलता मिलेगी उतनी अच्छी सफलता मिलेगी, सफलता निश्चित मिलेगी। और सर समय दिए, इतना कीमती समय दिए हैं सर, और आपका सर हमारा चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, और आपका नया कदम जहां आप नया शुरुआत फिर से करना चाह रहे हैं, दोबारा राजकर्मी का दर्जा सर प्राप्त किए हैं, बहुत खुशी मिल रही है सर, जो टैलेंट आपने जितना आप डिग्री बताए हैं, और डिग्री के मुकाम पर अगर डॉक्टर नहीं बन पाए सर, लेकिन जितनों को आप डॉक्टर बना दीजिएगा, इंजीनियर बना दीजिएगा, कलेक्टर भी आप बना दीजिएगा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमित जी आपको भी धन्यवाद, आपने काफ़ी कीमती समय यहाँ दिया है, आप व्यस्त रहते हैं, मीडिया में छाया रहते हैं, आप भी इस कदम पर चल रहे हैं, इसके मुकाम तक पहुँचिए, मेरी शुभकामनाएँ हैं, दिन दुनी रात चौगुनी आप प्रगति कीजिए, और जो भी YouTube देख रहे हैं सबों को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद, बधाई, आप लोग भी मेहनत कीजिए, सफल होइए, जितने भी बच्चे मेरे देख रहे हैं आप, ये एक शिक्षक का गौरव तभी होता है जब उसके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये आप कीजिए,
बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप अपना परिचय सर दे दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर अंतर्यामी कुमार मिश्र, पिता श्री शालिग्राम पंडित। मेरा घर बड़ी मकंदपुर है, लेकिन मैं अब खेरा लालचंद का वासी हो चुका हूँ। यही बहुत उनसे रह रहा हूँ। समेली खेरा लाल। हाँ, समेली खेरा। फिलहाल मैं धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय कृष्ण नगर में प्लस टू शिक्षक जंतु विज्ञान के रूप में कार्यरत हूँ। यही मेरा छोटा सा संक्षिप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वन सर।